हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम एक डायरी या नोटबुक को डेकोरेट करना सीखेंगे। डायरी को कैसे और किन चीजों के साथ डेकोरेट करेंगे ये जानने के लिए प्लीज वीडियो को पूरा देखिए। डायरी के कवर पर प्लास्टिक की एक पतली परत चढ़ी होती है, जिसके कारण ये बहुत चिकना होता है और अगर हम इस पे कोई कलर या डेकोरेशन करेंगे तो वो ज़्यादा लंबा नहीं टिकेगा। इसलिए हम डायरी के कवर पर डेकोपेज ग्लू की हेल्प से टिश्यू पेपर चिपकाएंगे या फिर जैसे अप्लाई करेंगे। ऐसा करने से हम जो भी पेंट करेंगे या कोई डेकोरेशन करेंगे वो लंबा टिकेगा। मैंने इस वीडियो में घर पर बने डेकोपेज ग्लू, जेसो और टेक्सचर पेस्ट का यूज़ किया है। इनकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैंने डायरी के कवर और पन्नों के बीच एक प्लास्टिक सीट रखी है ताकि ग्लू पन्नों पे ना लगे। अब मैं एक कंगन को ऊन से कवर कर रही हूँ। आप चाहें तो जूट की रस्सी या ऐसी ही किसी मोटी रस्सी का यूज कर सकते हैं। आखिर में रस्सी को वाइट ग्लू से चिपकाकर सिक्योर कर लें। अब मैं वाइट ग्लू की हेल्प से इस कंगन को डायरी के कवर पर चिपका रही हूँ। अब मैं 6 इंचेस × 1 इंचेस के कागज को रोल करके सिलेंडर बना रही हूँ। इन्हें भी मैं वाइट ग्लू की हेल्प से डायरी कवर के ऊपरी और निचले हिस्से पे चिपका रही हूँ। आप चाहें तो प्लास्टिक स्ट्रॉ को 1 इंच की साइज में कट करके उन्हें भी चिपका सकते हैं, पर उन्हें चिपकाने के लिए आपको हॉट ग्लू गन का यूज करना पड़ेगा। मैंने कार्डबोर्ड को ब्रिक्स के शेप में कट कर लिया है और वाइट ग्लू की हेल्प से उसे डायरी के कवर पर स्टिक कर रही हूँ। आप चाहें तो हॉट ग्लू गन का भी यूज कर सकते हैं। हमने जो पेपर सिलेंडर, ब्रिक्स और बैंगल चिपकाया है उसके पूरी तरह से चिपक जाने के बाद एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड को जो डायरी कवर से बाहर की तरफ निकले हुए हैं उन्हें हम कटर नाइफ या सीजर की हेल्प से कट कर लेंगे। अब हम टेक्सचर पेस्ट अप्लाई करेंगे। ऐसा करने से जो भी गैप्स हैं वो भर जाएंगे।
पैलेट नाइफ या टूथपिक की हेल्प से हम एक्स्ट्रा टेक्सचर पेस्ट को निकाल लेंगे। चूड़ी के ऊपर मैंने वाइट जेसो अप्लाई किया है। जेसो और टेक्सचर पेस्ट के पूरी तरह सूख जाने के बाद हम डायरी के कवर पर ब्लैक एक्रेलिक पेंट अप्लाई करेंगे। ब्लैक पेंट को हम पूरी तरह से सूखने देंगे। इसके बाद हम ड्राई ब्रश की हेल्प से ब्रिक्स पर और डायरी के बैक कवर पर पर्ल ब्लू कलर अप्लाई करेंगे। सिलेंडर वाले पोर्शन और चूड़ी को हम मेटलिक कॉपर कलर से हाईलाइट करेंगे। डायरी कवर के एजेस पर मैंने पर्ल गोल्डन कलर अप्लाई किया है। अगर आपके मन में वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सर्कल के अंदर मैं ब्लैक 3D आउटलाइनर की हेल्प से मैजिक ब्रश लिख रही हूँ। मेरे पास गोल्डन 3D आउटलाइनर नहीं है, इसलिए मैंने ब्लैक 3D आउटलाइनर का यूज़ किया है और फिर उसे गोल्डन कलर से हाईलाइट किया है। कलर्स और आउटलाइनर को हम पूरी तरह सूख जाने देंगे। इसके बाद ही हम डायरी कवर पर वार्निश अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास वार्निश ना हो तो आप डेकोपाज ग्लू भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।